मुनफर फारीक ने तोड़े सदनाज सहनाज से जश्वी करण इन सभी के रिकॉर्ड्स मिलाकर कार कौन से रिकॉर्ड्स बनाते नजर आए हैं मुनफर फारीक, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि की आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि मुनफर फारीक जिनका क्रेज फिलहाल तो फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। इवन अगर हम कह लें तो लॉकअप के इस विनर मुनफर फारीक का क्रेज तेजरन से भी ज़्यादा और सदनाज से भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके का लाइव में व्यूअर्स मिले हैं, जिस लाइव सेशन में जो व्यूअर्स मिले हैं उसकी तादाद देखकर और सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएं। वेल, आपको बता दूं कि कल मुनफर फारीक अपने फैंस से रूबरू होने के लिए इंस्टा लाइव आए थे, जहां के उस दौरान अगर हम शुरुआत करें तो लगभग 130K से शुरुआत हुई थी। एक साथ 130K पीपल्स व्यूअर्स जुड़े थे और लगभग 140K, जी हाँ, जो कि सिद्धार्थ के पहले लाइव यानी कि बिग बॉस सीज़न 13 के सिद्धार्थ के जब वो बाहर आए थे तो उसके बाद जो लाइव हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा है, सहनाज गिल से भी कहीं ज़्यादा है। तेजस्वी प्रकाश जब बिग बॉस सीज़न 15 की विनर बनी थी उसके बाद जब वो लाइव आई थी तो उससे भी कहीं ज़्यादा है और करण कुंद्रा से भी कहीं ज़्यादा है। इट मीन्स कि फाइनली मुनफर फारीक ने सदनाज और तेजरन दोनों का ही रिकॉर्ड्स लाइव आने को लेकर शो से निकलने के बाद पहली बार लाइव आने को लेकर तोड़ दिया है। वेल, मुनफर फारीक ने अपने लाइव सेशन में ये भी बोल दिया है अपने फैंस को कि जल्द वो सॉन्ग लेकर आने वाले हैं और वो सॉन्ग उनका खुद का लिखा हुआ होने वाला है, एक रैप सॉन्ग होने वाला है। और साथ ही साथ मुनफर इटली भी जाने वाले हैं, जहां से वो ब्लॉगिंग ज़रूर करेंगे और अपने स्वीट से फैंस को ज़रूर शेयर करेंगे अपना इटली ब्लॉग। वेल, आखिरकार मुनफर फारीक के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पर आपके क्या कुछ रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।